Good morning, all of you. Good morning. Good morning, good morning. So, welcome to UPSC at the two four seven. और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी अड्डा टू फोर आपके लिए बहुत कोशिश कर रहा है नए नए प्रयोग कर रहा है और आप सब लोगों के लिए की तैयारी सुगम बनाने के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स भी लॉन्च किया जा रहा है और ये अभी आप लोगों के लिए नया है इसलिए आप कई सारे लोगों का मेरे पास फोन आया विश्वास नहीं हो रहा है लेकिन ये विश्वास करिए आप लोग कि ये आप लोगों के लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी हंड्रेड परसेंट मदद करेगा और ईमानदारी से करेगा ठीक है तो शुरुआत करने में थोड़ी घबराहट होती है तो डोंट गिव अप डोंट गिव अप इन द बिगनिंग तो शुरुआत में बिल्कुल गिव अप मत करिए कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए क्योंकि शुरुआत हमेशा क्या होती है थोड़ी हार्ड होती है थोड़ी टफ होती है लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है धीरे धीरे हम यूज्ड टू हो जाते हैं तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के साथ मैंने ये उपेंद्र सिंह की सीरीज मैंने आप लोगों के साथ शुरू की हुई है तो ये वो बुक है जहां से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री का कल्चर वाला पार्ट और जो क्वेश्चन है वो यहीं से अब पूछे जा रहे हैं तो इसलिए और जो पहले जो किताबें जैसे आप लोग पढ़ते थे आर्य शर्मा वगैरह वहां से अब पूरा हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आप नहीं पकड़ पाओगे है ना तो इसलिए इस बुक को मैंने आपके साथ शुरू किया तो अभी तक मैं आप लोगों को क्या करा रही थी अभी तक मैं आप लोगों को करा रही थी सोर्सेज कि एंशंट हिस्ट्री पढ़ने के प्राचीन भारत पढ़ने के क्या क्या स्रोत है तो जिसमें लिटरेरी सोर्सेज मैंने आप लोगों को खास तौर पर कराया क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं अगर हम लोग आर्क्योलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं अगर पूरा तात्विक स्रोत की बात करते हैं तो उसमें अभिलेख आ जाते हैं इंस्क्रिप्शन्स क्वाइंस सिक्के आ जाते हैं और जो रिमेन्स होते हैं जो बिल्डिंग के जो इमारतों के जो अवशेष मिले हैं वो इमारतें आ जाती हैं तो इसमें जो अभिलेख हैं जो इंस्क्रिप्शन हैं अभिलेख के को के स्टडी को पेलियोग्राफी कहते हैं और यहाँ से जीएस पेपर वन में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि जो इस तरह की जो पेलियोग्राफिक सोर्सेज हैं जो अभिलेखीय पूरा लेखिए जो स्रोत हैं वो हमें कला एवं संस्कृति के बारे में आर्ट एंड कल्चर के बारे में ज्यादा बताते हैं तो वो आर्ट एंड कल्चर के बारे में ज्यादा कैसे बताते हैं क्योंकि ये ज्यादातर जो इस तरह के जो अभिलेख हमें मिले हैं वो ज्यादातर अभिलेख हमें मंदिरों की दीवारों पर बिहार में मिले हुए हैं तो वहां से उदर्म और संस्कृति का हमें ज्यादा पता चलता है अशोक के अभिलेख हमें उसके जो पिलर्स पर मिले हैं तो उस पिलर वो पिलर अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है टेम्पल्स अपने आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं उस उस पे जो लिखावट है उससे हमें उनके भाषाई ज्ञान का पता चलता है और जो जिस धर्म से संबंधित होता है उस रिलीजन के बारे में पता चलता है उस समय के लोगों के माइंड के बारे में पता चलता है कि लोग किस तरह से किस धर्म के बारे में सोचते हैं और ये अलग अलग जब भी आप लोग मैंने इसको आज आप लोगों की मैं शुरुआत जो करने जा रही हूँ वो शुरुआत में करने जा रही हूँ आप लोगों का इंडस वैली से तो आप सोचेंगे कि आपने आर्क्योलॉजिकल सोर्सेज क्यों छोड़ा और एज क्यों छोड़ा तो इसका जवाब ये है मेरे पास ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग फटाफट कि क्यों मैंने आर्कियोलॉजिकल सोर्स छोड़ा तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स पुरातात्विक स्रोत में अभिलेखों के नाम आप लोगों से जीएस में पूछे जाते हैं अलग अलग अभिलेखों के नाम कि कौन सा अभिलेख इससे जुड़ा हुआ है ये जैसे जैसे आप एंशंट हिस्ट्री पढ़ेंगे उन सभी अभिलेखों को पढ़ते चले जाएंगे जैसे अशोक पढ़ेंगे तो अशोक के सारे इंस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे सब गुप्ता पीरियड में आएंगे तो समुद्र गुप्त के भानुगुप्त के इन सब के इंस्क्रिप्शन आप पढ़ लेंगे टू हंड्रेड में आप जूनागढ़ रुद्रदामन का पढ़ लेंगे तो सारा कुछ आपको क्या है कि हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप लोगों को ये सब कुछ रिपीट होगा तो इसलिए मैंने उस सेक्शन को छोड़ा दोबारा दोबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना और हमें एकदम अपने टाइम को बचाते हुए एकदम स्पेसिफिक टू द पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है तो इसीलिए ठीक है अब जो स्टोन एज मैंने नहीं क्यों छोड़ा है स्टोन एज मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि स्टोन एज आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लगने लग जाता है और स्टोन एज से क्वेश्चन की अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों से पूछा नहीं गया है और क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो क्या पूछा जाएगा तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो स्थल है ठीक है जो साइट्स हैं, साइट्स पर ही आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन सी साइट्स कहाँ कहाँ से हम लोगों को मिली हैं यही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा तो उसके लिए मैं क्या करूंगी आप लोगों को कि, कि आपको एंड में या किसी एक दिन में सभी साइट्स आप लोगों को एक लिस्ट दे दूंगी कि आप सिर्फ साइट्स याद कर लीजिए ठीक है बाकी तो आप लोगों को यह पता ही है इसकी मोटाई कम की जा सकती है हम्म ठीक है कि जो हमारा स्टोन एज है जो पाषाण काल है हमारा तो पाषाण काल क्यों कहते हैं उसको पेल्योलिथिक पेल्योलिथिक पीरियड मिजोलिथिक न्यूलिथिक तो लिथिक का मतलब होता है पत्थर तो पेल्योलिथिक मतलब जो सबसे पुराने पत्थर मिले हैं उसको हम पेल्योलिथिक एज कह देते हैं मिडिल वाले को हम मिजोलिथिक कह देते हैं और नए वाले को हम क्या कह देते हैं नए वाले को हम लोग न्यूलिथिक कह देते हैं ना तो अब उस समय हम इसको पाषाण काल स्टोन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लोग गुफाओं में रहते थे और पत्थर से ही अपने औजार और हथियार अपनी जरूरत की चीजें वो पत्थर से ही बनाते थे तो पेलोलिथिक पीरियड में क्या हुआ था पेलोलिथिक पीरियड में लास्ट पेलोलिथिक पीरियड बहुत लंबा होता है तो उसको तीन पार्ट में हम बांटते हैं तो जो एकदम उच्च पूरा पाषाण काल था लास्ट वाला जो लेटर पेलोलिथिक पीरियड जो था उसमें फायर डिस्कवर हुआ आग का आविष्कार हुआ और कुरनूल की गुफा से जो हमें राह के अवशेष मिले हैं वो इस बात को साबित करते हैं तक आते-आते शुरू हुआ हर्डिंग शुरू हुआ क्योंकि बहुत सारे कैटल्स उस समय पैदा हुए क्योंकि घास के मैदान बने थे ग्लेशियर पिघले थे इस समय जलवायु में एक बदलाव आया था जब न्यूलिथिक में हम आते हैं तो न्यूलिथिक तक आते आते एग्रीकल्चर शुरू हो जाता है चाक पर बर्तन बनने शुरू हो जाते हैं और क्योंकि एग्रीकल्चर शुरू होता है इसलिए मनुष्य स्थायी रूप से एक जगह पर बसना भी शुरू कर देते हैं जिसका सबसे प्राचीनतम ओल्डेस्ट जो साइट है वो है मेहरगढ़ तो यही पूरा का पूरा आपका न्यूलिथिक था और इसमें जैसे मिजोलिथिक को हम लोग माइक्रोलिथ भी कहते हैं है ना मिजोलिथिक को हम लोग मिजोलिथिक पीरियड को माइक्रोलिथ भी कहते हैं और माइक्रोलिथ क्यों कहते हैं क्योंकि इस समय जो टूल्स थे जो औजार थे वो छोटे छोटे बने पर जब हम लोग उस समय आते हैं जब हम लोग न्यूलिथिक में आते हैं तो न्यूलिथिक में आपके बहुत पॉलिस्ड इंस्ट्रूमेंट औजार टूल्स हमें मिलने लग जाते हैं ओखली सिलबट्टा सब कुछ हमें मिलता है और इस समय चाक पर बर्तन कुछ हाथ के बने बर्तन भी मिले हैं लेकिन चाक पर बर्तन बनने भी शुरू हो गए थे तो पहिया भी इसी समय बना था ठीक है नहीं आज तो नहीं है शायद मेरी क्लास आज कोई दूसरा टीचर लेगा अस्सलाम वालेकुम सत अकाल अस्सलाम वालेकुम नमस्कार यही तीन संबोधन सम, है हमारे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हिट हैं है ना हलो तो हम लोग ऐसी Uh, अंग्रेजों के देखा देखी हलो हो जाता है है ना? हाँ जी। हर हर महादेव भी होता है सब है? <laughs> तो ये तो खैर पर्टिकुलर हो गया तो आप लोगों को समझ आ गया ना कि स्टोन एज स्टोन एज जो है जो पाषाण काल में इंपॉर्टेंट क्या है तो सिर्फ साइट्स और बाकी ये कॉन्सेप्ट याद रखेगा फायर पशुपालन और कृषि एग्रीकल्चर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है क्वेश्चन यहाँ से पिछले कुछ सालों से नहीं देखे गए हैं लेकिन हम लोगों को कुछ भी साइट ऐसा स्किप नहीं करना चाहिए कब कहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये हम कुछ कह नहीं सकते पर यह है कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा भी तो किससे आएगा तो स्थल से साइट से ही क्वेश्चन आएगा तो इसलिए मैं आप लोगों को साइट्स की लिस्ट आप लोगों को मैं दे दूंगी ठीक तो अब हम लोग मेन जो टॉपिक है वैली सिविलाइजेशन से शुरू करते हैं इसको आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा लेकिन उपेंद्र सिंह हर टॉपिक को थोड़ा डिफरेंट वे में लिखती हैं थोड़े अलग तरीके से लिखती हैं तो आपको बहुत सारी नई जानकारियां भी यहां से मिलेगी तो जितने लोग भी लाइव हो चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फट से और इस सेशन को लाइक कर दीजिए बस एक आपको बस दबाना है बस इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाता आपका और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए तो शेयर कर दीजिए इस सेशन को तो हम लोग अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इसका शेप कैसा था और कहां पर इसका लोकेशन कहा था तो ये इसका जो शेप था वो ट्रायंगुलर था है ना? एक सेकेंड हाँ जी तो इसका जो शेप था वो कैसा था 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 और ये कहां फैला हुआ था? तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया था यानी पश्चिमोत्तर पश्चिमोत्तर भारत में ये फैला हुआ था तो जो इसका अगर आप लोग मैप देखोगे तो अगर हम मैप देखते हैं तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन पर था तो ये वाला अभी पाकिस्तान में भी वो चला गया है वो तो ये वाला जो क्षेत्र था यहां पर इसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन था मतलब ये जो सभ्यता था ये जो 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर में कितना तो अबाउट 20 लाख 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर में 20 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था पश्चिमोत्तर भारत वाले इस रीजन में और इसका आकार कैसा था तो इसका आकार था त्रिभुजाकार ट्रैंगुलर ठीक है तो ये आप हमेशा याद रखिएगा और इसका जो विस्तार था थोड़ा लाइट दिख रहा होगा आप लोगों को लिखा हुआ भी मिल जाएगा तो इसका जो हम लोग पूरा इसका वो देखते हैं एरिया देखते हैं जिसमें ये स्प्रेड आउट हुआ था जो फैला हुआ था एक्सपैंड हुआ था तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें उत्तर से दक्षिण की तरफ तो 1400 किलोमीटर है और आपका ये पूर्व से पश्चिम की तरफ तो 1600 तो इसमें जो इसका सबसे नॉर्दर्न जो पॉइंट है वो मांडा है मांडा कहाँ पर तो ये चिनाब नदी के किनारे ये प्लेस है अखनूर के नजदीक है ये मांडा तो सबसे इसका उत्तरोत्तर जो नॉर्दर्न नॉर्दर्न जो साइट है वो है मांडा अखनूर के पास चिनाब नदी के किनारे और सबसे जो इसका दक्षिणेतर यानी साउदर्न जो पॉइंट है वो है आपका दहमाबाद जो गोदावरी नदी के किनारे है तो साउदर्न पॉइंट है दामाबाद अगर हम ईस्टर्न पूर्वी इसका देखें तो ये है आपका हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर और अगर इसका पश्चिम उत्तर देखते हैं अगर इसका वेस्टर्न देखते हैं तो सुंग डोर है जो कि ये जा चुका है पाकिस्तान में और ये दाश नदी के किनारे पर है तो इस कहने का मतलब कि नॉर्दर्न मांडा के ऊपर फिर नहीं मिला है मांडा तक ही साइट्स मिलते हैं अगर हम लोग ईस्ट की बात करें तो ये आलमगीरपुर के आगे कोई साइट नहीं मिलता है आलमगीरपुर लास्ट है तो ये इसीलिए कहा जाता है कि ये नॉर्दर्न साउदर्न डायमाबाद लास्ट है उसके नीचे हमें दक्षिण में और साइट्स नहीं मिलते और इसी तरह से सुतकांगे डोर तो ये इसका मतलब इसी में ये पूरा इसका विस्तार है जो कि कितना बीस लाख स्क्वायर किलोमीटर में इसका जो है ये आपका फैला हुआ है तो ये यहाँ पर लिख भी दिया गया है तो याद रखिएगा ये सारी चीजें कि पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है हिंडन नदी के किनारे पश्चिमी स्थल डोर जो बलूचिस्तान में है मांडा कश्मीर में है और दैमाबाद महाराष्ट्र में अगर यहाँ पे हम लोग रिवर की बात करें तो सबसे पूर्वी नदी हिंडन क्योंकि आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है सबसे इसका अगर पश्चिमी नदी की बात करें तो पश्चिमी नदी जो सूतकांगे डोर है वो दाश्क नदी के किनारे है तो इसलिए पश्चिमी नदी दाश हो जाएगा सबसे उत्तरी नदी इसका चिनाब हो जाएगा क्योंकि मांडा चिनाब रिवर के किनारे है और सबसे इसका जो दक्षिणी नदी हो जाएगा साउदन जो रिवर हो जाएगा वो गोदावरी क्योंकि दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे तो आप रिवर्स को भी इसी तरह से कभी रिवर पूछा जाए तो रिवर्स भी आप लोग याद रखेंगे ठीक है तो सिंधु घाटी की जो जलीय सीमा थी जो इसका हमारा जो वाटर वाटर रेंज जो था जैसे भारत का आज भी है तो ये था थर्टीन हंड्रेड किलोमीटर और कहाँ से ये ट्रेड करते थे सी ट्रेड कहां से करते थे तो अरेबियन सी से अरेबियन अरब सागर अरब सागर से ये ट्रेड किया करते थे और ये साउथ एशिया दक्षिण दक्षिण एशिया दक्षिण नहीं पश्चिम एशिया सॉरी पश्चिम एशिया के साथ ये अपना ट्रेड किया करते थे ठीक है तो इनका और इन, तो इनका वाटर रेंज था 1300 किलोमीटर तक तो ये जो आप लोग देख रहे हो ना ये पूरा आपका पूरा ये जो पिंक से आप देख रहे हो ये ही ये सिविलाइजेशन था सबसे ज्यादा जो इस सिविलाइजेशन का जो बसावट था वो कहां पर था यहीं पर सबसे ज्यादा वैसे तो हमें यहाँ पर जो पूर्वी मिलता है हमें आलमगीरपुर में दक्षिणी पर हमें मिलता है दैमाबाद में, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जो विस्तार मिलता है इस सभ्यता का वो सबसे ज्यादा यहीं पर और ये अरेबियन सी है अरब सागर तो यहीं से लोथल लोथल आप लोगों को याद है लोथल एक पोर्ट सिटी था लोथल क्या था एक पोर्ट सिटी आजकल आप लोगों के कमेंट्स गायब हो जाते हैं दिखते ही नहीं है मुझे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है कोई उपाय हो तो बताना हाँ जी मेसोपोटामिया के साथ ओमान के साथ बहरीन के साथ ये लोग ट्रेड किया करते थे ठीक है तो अब यहाँ लोथल क्या था लोथल एक पोर्ट सिटी था बंदरगाह नगर यहाँ पर डॉकयार्ड मिला है हमें तो यहाँ पर ये यह भारत में था इसके पास लेकिन इसके बाद जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहां पर ये यह जैसे हमारा ये बॉर्डर खत्म होता है तो ये यह बॉर्डर यहाँ पर खत्म हो गया है प्रेजेंट डे बॉर्डर है ये यह, तो यहां पर डाबरकोट बालाकोट डाबरकोट ये यह यहाँ से होते हुए ये पूरा ये जाते थे वेस्ट एशिया की तरफ तो ये इनका क्या था ये इनका आपका सी रूट था जो कि कितना था ये थर्टीन हंड्रेड थर्टीन हंड्रेड किलोमीटर का रेंज था इसका तो इसका पूर्वी और पश्चिमी विस्तार पूर्व से शुरू होकर पश्चिम तक मैंने बताया आपको मैप में सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर है और इसका अगर हम लोग बात करें नॉर्थ से साउथ की तरफ तो इसका फोर्टीन हंड्रेड किलोमीटर इस्ट का विस्तार है हाँ जी लोथल गुजरात में है दिखाया मैंने मैप में आपको सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में ही ट्वेंटी लाख बीस लगभग बीस लाख वर्ग किलोमीटर और सबसे पहला जो साइट खोजा गया तो ये तो आप लोगों को कखा गगा की तरह याद हो गया होगा कि सबसे पहला साइट कौन सा तो सबसे पहला साइट हरप्पा जो आज के पाकिस्तान में है मांट गोमरी जिले में हरप्पा तो सबसे पहला खोजा हुआ साइट सबसे पहला खोजा हुआ स्थल हरप्पा तो इसीलिए इसको हम हरप्पन सिविलाइजेशन भी कह देते हैं तो ये जो खोज हुई ये जो हरप्पा सभ्यता हरप्पन कल्चर को जो डिस्कवर किया गया कैसे कैसे हुआ और कैसे उत्खनन मतलब एग्जीक्यूशन तो ये कैसे कैसे हुआ तो अब हम लोग इसकी थोड़ा सा बात कर लेंगे आप लोग ये तो जानते ही हैं कि दया राम का नाम सबने सुना है सबको पता है हरप्पा और दया राम लेकिन कुछ और मैं आप लोगों को फैक्ट्स बताती हूँ इसमें जैसे सबसे पहले 1826 में सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैशन चार्ल्स मैशन नामक एक अंग्रेज थे और इनको बहुत इंटरेस्ट uh, था हिस्टोरिकल प्लेसेस खोजने में तो ये इन्होंने सबसे पहले हरप्पा के टीले को देखा था सबसे पहले हरप्पा के टीले को देखा था और यहां से कुछ भी उन्होंने प्राप्त की थी कुछ ईटों को भी उन्होंने यहाँ पर ब्रिक्स पकी हुई जो ब्रिक्स थी वो भी उन्होंने देखा था कब 1826 में 1826 में ही तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने फिर जब रेलवे लाइन बिछनी शुरू हुई ये जो 1853 से स्टार्ट होता है मुंबई टू थाने तो 1853 से 1856 में अलेक्जेंडर को जब पता चला था तो उनके नेतृत्व में लाहौर के मध्य एक रेलवे लाइन का उस समय विकास हो रहा था ये सर्वेयर थे कनिंगम क्या थे एक सर्वेयर थे जो बाद में जाकर के इनको फिर आ, वो भी नियुक्त किया गया था पुरातत्व विभाग का भी तो यहाँ पर कनिंगम को भी पता चला था और इसके अलावा जो ब्रंटन ब्रदर्स थे जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने कुछ वहां पे पुराने ब्रिक्स डिस्कवर किए वहां फाइंड आउट किए कि कुछ उन्होंने जो है पुरानी ईटे देखी वहां पर पर कनिघम ने सीरियस नहीं लिया था इवन कनिंगम को एक सील भी मिला जो आप लोगों ने देखा है ना यूनिकॉर्न सील जो बहुत फेमस है जो एक श्रृंगी जानवर वाला जो मोहर है सील सील है उनको वो सील भी मिला लेकिन फिर भी फिर भी जो है उन्होंने इसको बहुत सीरियस नहीं लिया था 1921 में पुरातात्विक विभाग जो था उस समय उन लोगों ने जो आर्कियोलॉजिकल ये कर्जन ने स्थापित किया था तो ये वही आजकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहा जाता है तो फिर उस समय जॉन मार्शल थे 1900 उस समय 21 में जब दयाराम राम शाहनी ने इसके खोज की पूरा बहुत ही लार्ज स्केल पर जब उन्होंने एग्जिकवेशन कराया तो उस समय उस समय जॉन मार्शल थे तो जॉन मार्शल जॉन मार्शल ने इसमें अच्छा इंटरेस्ट दिखाया और जॉन मार्शल के गाइडेंस में इन्होंने दया राम ने फिर बहुत ही अच्छे से हरप्पा हरप्पा की खुदाई कराई एग्जीक्यूशन कराया और एक अनएक्सपेक्टेड बहुत ही एक प्लांड सिटी देखने को मिला जहां से यूनिकॉन सिल्स मिली एक श्रृंगी जानवर वाली मोहरे मिली बहुत सारी मातृ देवी मदर गॉडेज की मूर्तियां मिली बहुत सारे टॉयज मिले बहुत सुंदर सुंदर कई तरह के अनाज मिले तो उसको देख के लोग अमेज रह गए आश्चर्यचकित रह गए कि भारत में इतनी डेवलप्ड एक सिविलाइजेशन रहा है वो भी कब तो वैदिक कल्चर से पहले तो इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन पहला शहरीकरण पहला शहरीय सब नगरीय सभ्यता फर्स्ट जो है ये मतलब टाउनशिप वाली सिविलाइजेशन की संज्ञा इसको दी गई समझ आ रहा है ना आप लोगों को हाँ जी ठीक तो बाकी मैं सब लिस्ट दे दूंगी कि किस साइट को किसने खोजा है उसको याद करना है आप लोगों को अब जो हम लोग इसको इसका नाम दिया गया क्या दिया गया इसको नेम किया गया तो इसका जो नामकरण हुआ उस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह का नाम दिया लेकिन उपिंदर सिंह कहती हैं कि सबसे जो करेक्ट नेम है वो हरप्पा हरप्पा सभ्यता ही है यानी हरप्पन सिविलाइजेशन ही सबसे सुटेबल नेम है इस वो कहती है कि इसको सिंधु सभ्यता नहीं कह सकते क्योंकि सिर्फ सिंधु रिवर के किनारे ही सारी साइड हमें नहीं मिली हैं तो नामकरण लेकिन इसका पहले हरप्पा ही किया गया था बाद में इसको जैसे आजकल आप लोग भी सबसे ज्यादा आईबीसी कहते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन लेकिन उपिंदर सिंह इसे एग्री नहीं करती हैं तो उस समय तो इसको हरप्पा सभ्यता ही नाम दिया गया क्योंकि सबसे पहले जो खोजा हुआ साइट होता है स्थल होता है अक्सर उसके नाम पर नाम रख दिया जाता है ठीक है तो उस समय तो उस समय तो इसको हरप्पा ही कहा गया लेकिन बाद में बाद में इसको समझ लो कि लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहने क्योंकि जब हरप्पा के बाद जब खुदाई शुरू हुई शुरू हुआ तो ज्यादातर जो हमें साइट्स हैं वो हमें कहाँ मिली तो ज्यादातर साइट्स हमें इंडस रिवर वैली में मिली हमें इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उसी रीजन में सबसे ज्यादा हमें साइट्स मिले तो इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया तो अगर कभी आप लोगों से पूछा जाए कि क्यों सिंधु सभ्यता कहा गया तो आप ये रीजन देंगे कोई भरोसा नहीं आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे 2021 के मेंस में पूछा गया था आप लोगों से कि भारत को उप महाद्वीप क्यों कहते हैं सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं जो कि ये आपके क्लास सिक्स के एनसीआरटी में फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ तो इसी तरह से आपको हो सकता है कि आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन को वी कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन तो आप यही रीजन देंगे इसको कुछ लोग सिंधु सरस्वती सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहने लग जाते हैं क्योंकि लगभग 1100 हंड्रेड सिंधु और गंगा नदी घाटी के बीच के क्षेत्र में हमें मिलते हैं जहां से माना जाता है कि यहां से सरस्वती सूखी घग्घर हाकरा सरस्वती नदी निकलती थी तो कुछ लोग इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं लेकिन इसको ना तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत सुटेबल नेम है और ना ही सरस्वती ठीक है ना ही सरस्वती तो ये देखो ये ये वाला जो है ये वाला सरस्वती घग्घर हाकरा वाला ये जो रेड से आप आप लोग देख पा रहे होंगे हाईलाइटेड ये जो बीच का ये जो क्षेत्र है तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारी साइट्स मिली हैं हमें सारी साइट सिर्फ यही नहीं मिली है ना ये इंडस रिवर है ये इंडस रिवर है जो कि तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है चामुंडियों ग्लेशियर से तो ये इंडस रिवर है ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है लेकिन यहीं पर ठीक ये ये सरस्वती जो सूखी घगर हाकरा नदी सरस्वती नदी का भी ये क्षेत्र है तो अगर हम इसको इंडस रिवर कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहेंगे तो हम इसको सरस्वती सिविलाइजेशन भी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी हम इसको कह सकते हैं तो इसीलिए इसीलिए उपेंद्र सिंह कहती हैं कि दोनों ही दोनों ही नामकरण सही नहीं है दोनों ही नेम करे नहीं है सुटेबल नहीं है इसको हम क्या कह सकते हैं तो इसको हम कहेंगे हरप वन कल्चर क्योंकि पहला खोजा हुआ साइट स्थल तो पहले खोजे हुए साइट के नाम पर अक्सर ही नाम ऐसा दिया जाता रहा है और यही सही भी रहेगा तो आप लोग एग्री करते हैं आप लोग एग्री करते हैं गुड मॉर्निंग सबक बहुत लेट हैं आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर राम परवारा परवारा आप आपका क्वेश्चन है रिवर नेम शायद आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं वो साउथ बॉर्डरी साउथ बाउंड्री तो साउथ बाउंड्री हमने कहा ना गोदावरी या तो फिर आप आप जो है जो लिख रहे हैं उसमें कहीं कुछ मैं उसको पकड़ नहीं पा रही हूँ हाँ तो आप लोग टाइम पर रहा करो टाइम पर तो आप लोग के कमेंट्स देखने के लिए मुझे थोड़ा मोबाइल रिफ्रेश करना पड़ रहा है बार बार ये पता नहीं दो कुछ, कुछ, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी तो अपने आप एकदम सही से दिखता रहता है और कभी कभी ऐसा हो जाता है अब ये क्यों होता है पता नहीं तो आप लोग फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए सेशन शे, को शेयर कर दीजिए आप लोग वेरी गुड सुजीत वेरी गुड ये हमने बात कर लिया है और सुजीत ने उसको एकदम समराइज करके अपने कमेंट में डाल दिया है। तो हम यहां पर आप जैसी साइट देखोगे तो वो साइट किस नदी के किनारे है बस वो समझ लो कि वो बाउंड्री हो गया इसी तरह आप नॉर्दर्न फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरह आप ईस्टर्न कर सकते हैं इसी तरह आप वेस्टर्न कर सकते हैं। तो हम कहेंगे सिंधु सभ्यता को हम क्या कहेंगे हरप्पा अगर आपसे नेम पर पूछा जाए कि क्या करेक्ट मतलब सिविलाइजेशन कहना उचित होगा इज इट करेक्ट इज इट करेक्ट नेम फॉर हरप्पन सिविलाइजेशन तो आप फिर ये लॉजिक दे सकते हैं तो ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है ठीक है अब हम इसको कहते हैं फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन इसको पहला नगरीय क्रांति की संज्ञा दी गई है पहला क्योंकि जो इसकी इंडस्टली सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता की जो समकालीन सभ्यताएं थी हरप्पा सभ्यता कहिए, हरप्पा सभ्यता की जो समकालीन सभ्यताएं थी कंटेम्प्री जो सिविलाइजेशंस थी जैसे मेसोपोटामिया सुमेरियन तो उन उनसे अगर कंपेयर किया जाता है तो हमें दे, दे, देखने को मिलता है कि यहाँ पर पक्की ईटों का घर यहाँ पर जैसे पक्का ब्रिक हाउसेस थे और इसी तरह से यहाँ पर पक्का रोड थे यहाँ पर एकदम सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम था और यहाँ पर जो टाउन प्लानिंग थी इनकी बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक थी जो कि आमतौर पर प्लांट सिटीज में ही हम लोगों को देखने को मिलता है ठीक है वहीं पर तो इसीलिए इसको कहा गया इसीलिए कहा गया इसको कि ये फर्स्ट फर्स्ट जो है अर्बन रेवोल्यूशन था फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन था अच्छा इसको लोग इसको हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं एकदम मैं छोटी छोटी सारी चीजें आपको बताती हुए चल रही हूं ताकि पूरी तरह से आपको क्लियर रहे। तो इसको फर्स्ट ये तो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन और इसके साथ हम इसे ब्रॉन्ज एज कहते हैं तो इसे हम ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग क्यों कहते हैं क्योंकि इनको कांसा बनाना आता था तो इनको वो एलोए बनाना वो मिश्रण बनाना आता था जो कि तांबे और टिन से मिलकर के बनता है तो तांबे में जब टिन मिलाते हैं तो कांसा बनता है ये कला इनको पता था और सबसे ज्यादा कांसे का प्रयोग भी इन्होंने ही किया सबसे ज्यादा मतलब कांसे का ही प्रयोग किया इन्होंने ब्रॉन्ज का ही किया तो इस सभ्यता में भारत में पहली बार पहली बार क्या देखा गया तो पहली बार कांसे का यानी ब्रॉन्ज का यूज देखा गया इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं इसीलिए हम इसको काश्य युगीन सभ्यता भी हम इसको कहते हैं इसको हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं अब सवाल उठता है कि इसका पीरियड कैसे डिसाइड हुआ सबसे जो मान्य डेट है जिसको सब मतलब एक्सेप्टेबल डेट कह लीजिए तो वो है आपका ट्वेंटी फाइव जो जॉन मार्शल ने दिया सबसे ज्यादा बीसी में ये डेट आपका सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है पर अलग अलग जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अलग अलग डेट दिया है इसके लिए तो ये कैसे निश्चित किया गया है इसका टाइम पीरियड कैसे निश्चित किया गया है तो हमारे पास अगर हम बात करें सारे लोग अलग अलग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है आई के टाइम के लिए इसके क्रोनोलॉजी के लिए हमारे पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है क्यों क्योंकि इसके साथ सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो क्या है कि हम स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए हैं हम स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए हैं सबसे बड़ा यही हमारा क्या है लिमिटेशन यही हम लैक करते हैं तो हमने जो है अनुमान पर अंदाजे पर ही इसका डेट हमने निश्चित किया है तो एग्जेकेशन से एग्जीक्यूशन में मतलब का, जैसे काफ़ी समस्या रही है ईट ईटे टूटे ना इसके लिए बहुत संभल संभल के किया गया है तो यहाँ पर होरिजेंटल एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है हॉरिजेंटल एग्जीक्यूशन समझ रहे ना कि ये ये पूरा का पूरा जो है ऐसे आपका एग्जीक्यूशन जब चलता है तो क्या होता है कि हमें लेयर्स मिलने लग जाते हैं फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर थर्ड लेयर ऐसे जब हम लोगों को मिलता है तो हम लोग क्या करते कि जब इस तरह से चलता है तो फिर जाकर वहां पर एक हिस्टोरियंस के लिए टाइम पीरियड निकालना क्या हो जाता है बहुत इजी हो जाता है लेकिन यहां पर क्योंकि यहां पर संभव इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर यहां पर मानवीय बस्तियां वर्तमान में बहुत ज्यादा है जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूं आपको राखी गढ़ी तो राखी गढ़ी अभी तक अच्छा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत में मौजूद भारत में मौजूद सबसे बड़ा साइट अभी पूरी वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट वो बन चुका है वो कौन सा है नोट्स कैसे बनाए जितना भी मैं इंपॉर्टेंट आपको बताती चली जाती हूं उसको नोट करते जाइए हमेशा जब भी क्लास आप लें तो क्लास जब भी आप लेते हैं तो आपको क्लास में पेन और पेपर लेकर बैठना चाहिए और जो वो हर इंफॉर्मेशन नोट करते चले जाइए जो आपके लिए नया है और जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझते हुए चलिए तो नोट्स में देखो जनरली मेरा ये मानना होता है कि नोट्स में हमें कॉन्सेप्ट नहीं लिखना चाहिए कॉन्सेप्ट हमें पता हमें ऐसे इतनी बार पढ़ लेना चाहिए कि कॉन्सेप्ट हमको ही याद हो तो हमको सिर्फ फैक्ट्स नोट करने चाहिए क्योंकि हम फैक्ट्स ही भूलते हैं यस yes! तो राखी गढ़ी कह के मैंने पूछा इसलिए सारे लोग आंसर राखी गढ़ी कर रहे तो राखी गढ़ी राखी घड़ी सबसे बड़ा साइट है और राखी गढ़ी अभी और बड़ा हो सकता है अनुमान से ज्यादा लेकिन वहां पर आपको पता है वहां पर जो हरियाणा के किसान है वहां खेती कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे हॉरिजेंटल जो एग्जिकेशन होता तो उससे हमें पता चलता कि कहाँ कहा तक इसका टाइम पीरियड हम आराम से इसका निकाल सकते थे लेकिन यहाँ पर इसकी जो सभी जहां जहां से हमें साइट्स मिली है वहां पर आज की डेट में लोग रह रहे हैं। कहीं खेत है कहीं घर है तो इस वजह से एकदम एग्जैक्ट टाइम निकालना पॉसिबल नहीं है तो रेडियो कार्बन डेटिंग जिसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जो सिंधु सभ्यता का जो वो निकाला गया है वो निकाला गया है तेईस सौ पचास से सत्रह सौ पचास ट्वेंटी थ्री हंड्रेड फिफ्टी बी सी से लेकर सेवेंटीन हंड्रेड फिफ्टी तक अगर आप ये कहोगे कि आज से कितने सौ साल पहले तो ये आज से लगभग कितना तो अड़तालीस सौ साल अड़तालीस सौ साल पहले ये माना जाता है कि ये, ये इसका शुरू हुआ ओरिजिन शुरू हुआ इसका और फिर इसके सभी साइड्स को बांटा जाता है प्री हड़प्पन यानी प्राक हड़प्पा स्थल और फिर मैच्योर हड़प्पन साइट्स यानी परिपक्व जैसे हड़प्पा मोहनजोदडो ये सब कालीबंगा ये सब परिपक्व मैच्योर साइट्स है मैच्योर का मतलब आप मेच्योर कब कहे जाते हो जब आपका शरीर भी बढ़ जाता है और दिमाग भी तो आप मेच्योर कहे जाते हो तो मतलब मेच्योर का मतलब ये होता है पूरी तरह डेवलप्ड पूरी तरह विकसित तो इसको फिर पूरी तरह विकसित में बांटा जाता है और फिर जब इसका डिक्लाइन शुरू हुआ तो कुछ ऐसे साइड हमें मिली हैं जो कि पतनशील अवस्था में थी डिक्लाइनिंग कंडीशन में मिली है हमें तो उनको हम लेटर हरप्पन कहते हैं और पोस्ट हरप्पन कह देते हैं उसको और इसको एक नाम दिया गया है तो क्या नाम दिया गया है झूकर तो है है राजस्थान में झूकर झांगर ये दोनों प्लेस हैं तो वहां पर हमें डिक्लाइनिंग साइट्स मिली हैं कि लोग कुछ वैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे जैसा हमें मिलता है हर अपन कल्चर में लेकिन वो उतना सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग नहीं मिलता ड्रेनेज नहीं मिलता रोड पर जगह जगह पे कूड़ा मिलता है जो सफाई रहती थी वो नहीं मिलता तो हमें लगता है कि अब पहले की तरह इनका कंडीशन नहीं था ठीक है तो ये डेट है आपका रेडियो कार्बन से अब ये उपेंद्र सिंह बात करती हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई औरिज, कैसे ओरिजिनेट हुआ ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ओरिजिनेट कैसे हुआ इसका ओरिजिन इंडिया में ही है या ये बाहर से आया और इंडिया में ही कैसे ये बसा तो इसको लेकर के भी बहुत सारे अलग अलग ही स्टोरीज अलग अलग बात करते हैं जैसे कुछ जो फॉर फॉरनर राइटर्स हैं, तो वो तो कुछ भी इंडिया का मानने को तैयार ही नहीं वो हर चीज़ कहते हैं कि बाहर से इंडिया में आया बाहर से इंडिया में आया, यानी इंडियंस के पास दिमाग ही नहीं था इतना ब्रेन ही नहीं था कि वो एक इतना अच्छा सिविलाइजेशन बसा सकें तो वो कहते हैं कि मेसोपोटामिया जो मेसोपोटामियन कल्चर था सिविलाइजेशन था दजला और फरात नदी आज का इराक तो ये वहां से वही के लोग आए और इंडिया में उन्होंने हर कल्चर को बसाया कुछ जो अपने देशी जो मत है जो नेशनल राइटर्स हैं, वो कहते हैं कि ईरानी बलुचिस्तानी सभ्यता ये रही यानी ईरान और बलुचिस्तान के पास ही ये डेवलप हुआ और कुछ इंडियन ये लेफ्टिस्ट लोग ज्यादा कहते हैं और कुछ कहते हैं कि ये भारत की अपनी सोथी सभ्यता थी ये प्लेस है तो हम इन तीनों पर विचार करते हैं कि क्या कहाँ तक मानना ये सही होगा कि इसकी हरप्पन कल्चर की जो उत्पत्ति हुई जो ओरिजिन हुआ वो मेसोपोटामिया सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ आया यानी मेसोपोटामिया को वो लोग मानते हैं कि वो पहले था और इसी से फिर इंडस हुआ जबकि अब डेट से साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि ये सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन लेकिन अभी भी कुछ लोग नहीं मानते तो जो लोग कहते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग आए और उन्होंने उन्होंने यहां पर इस कल्चर को इंडस कल्चर को बसाया तो अब यहां पर ये किस पर आधारित है तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजनिस्ट थियोरी इसको हिंदी में कहते हैं बिस्तणवादी सिद्धांत तो डिफ्यूजनिस्ट थियोरी क्या कहता है विस्तरणवादी सिद्धांत क्या कहता है कि लोग उस समय एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते थे जैसे इसी तर्ज पर मैक्समुलर ने वैदिक कल्चर की भी कहानी बनाई तो लोग इस समय एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते थे माइग्रेट करते रहते थे जाते रहते थे तो उसी में ऐसा हुआ होगा उसी में ही ऐसा हुआ होगा कि कुछ लोग मेसोपोटामिया से चलकर यहां तक आए होंगे बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में जहां पर ये ज्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन है, मिलता है ये पर तो कहते हैं कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई द फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन मतलब ये उसी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ही एक विकसित रूप था मतलब मेसोपोटामिया में हमें इतना बढ़िया टाउन प्लानिंग नहीं मिलता इतना बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिलता आ, बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत इतना अच्छा नहीं मिलता तो लोग कहते हैं कि मतलब वहीं के लोग आए और वो यहां पर जाकर आकर उन्होंने ज्यादा अपना डेवलपमेंट कर लिया आप मानते हो ऐसा आप मानते हो ऐसा बिल्कुल आप जो मे, आप मेरी क्लास लेने के बाद आपको अलग से उपेंद्र सिंह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्या लगता है ट्रेंडिंग सॉन्ग खाली बस एक ही क्वेश्चन पर अटके हुए हैं मेरे क्वेश्चन को नहीं सुन रहे तो ये, ये थियोरी है इस थियोरी को हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये देखो ये इसलिए भी हम नहीं मानेंगे कि ये विदेशी मत है ये फॉरनर ओपिनियन है और वो लोग हमेशा से ही वो एक उनके अंदर एक सुपेरियोरिटी रहा है कॉम्प्लेक्स रहा है और वो हमेशा अपने को ऊंचा करके दिखाते रहे हैं थियोरी तो है कि मेरे के लोगों ने ही बसाया और उसी का डेवलप्ड फॉर्म था इंडस सिविलाइजेशन इसके प्रमुख समर्थन है गार्डन चाइल्ड जॉन मार्शल क्रेमर डीडी डी कौशाम्बी और एच डी संकलिया ये लोग कहते हैं ऐसा सिमिलैरिटी ये लोग क्या बताते हैं तो सिमिलैरिटी बताते हैं कि दोनों सभ्यताओं में पकी ईटों का प्रयोग हुआ दोनों को ही स्क्रिप्ट पता था दोनों ही ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए चाक चाक का प्रयोग दोनों ही करते थे पॉटरी पॉटरी जो है वो कैसे बनाते थे तो चाक पर बनाते थे और दोनों ही जगह एग्रीकल्चर और ट्रेड था तो ये वो सिमिलैरिटी बताते हैं और इसी सिमिलैरिटी के बेस पर ये बताते हैं कि देखो ये है आपका मेसोपोटामियन मेसोपोटामियन जो है आपका सभ्यता कहां पर है तो यहां पर है तो अब यहां से देखो ये यहाँ पर यहां पर जो ये लोग बसते हैं यहां पर तो ये एक लंबा रास्ता है लेकिन यहां तक आने का एक जो शॉर्ट रास्ता था वो ये था तो ये सी रूट तो जानते थे ये पर्शियन गल्फ है आपका फारस की खाड़ी ये रेड सी है और ये फारस की खाड़ी है तो ये सबसे आसान रास्ता था कि ये लोथल है आपका, तो यहां पर ये गल्फ होते हुए ये यहां पर आ और यहाँ पर लैंड रूट से चलते हुए लैंड रूट से चलते हुए यहाँ पर तो ये इस तरह से ये लोग ट्रेड तो करते ही थे इनका ट्रेड तो हमें मिलता ही है तो अब हो सकता है कि ये लोग ऐसे आए हों और यहाँ पर आकर के बसे हों ऐसा लोग इन लोगों का ये अनुमान है ये जो कहने वाले हैं कि ये वाले लोग लेकिन हम इसको क्यों नहीं मान सकते हम एक तो ये नहीं मानेंगे इसलिए कि एक तो विदेशी मत है जॉन मार्शल जो कि खुद उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हेड थे वो जॉन मार्शल खुद ये बात कहते हैं और वो एक ब्रिटिश है इम्परियलिस्टिक अप्रोच है तो हम गार्डन चाइल्ड जॉन मार्शल और उनके साथ कुछ कुछ इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम रहा है हमेशा अभी देखो अभी अभी जैसे आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें भी इंडिया के लोग ही इंडिया की बुराई कर रहे हैं और अगर इंडिया की थू थू हो रही है अगर अरब कंट्रीज में तो उससे उनको खुशी मिल रही है वो अब इसको हील करने की कोशिश नहीं करेंगे बहुत सारे ऐसे हैं जो जो कि वो ये कोशिश नहीं करेंगे कि भाई किसी भी तरह इन, भारत की शाख को बचाई जाए बल्कि उनको अब इसमें आनंद आ रहा है मज़ा आ रहा है हमारे यहाँ का ऐसा कुछ माहौल है कि कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी ऐसे हैं और कुछ पॉलिटिकल लोग भी ऐसे हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं वो ये नहीं सोचते कि ओवरऑल ये हमारे घर घर की इज्जत की बात है हमारे देश की इज्जत की बात है वो ये नहीं सोचते तो इसीलिए यहां पर चाइल्ड के साथ कौशाम्बी भी शामिल हो गए हैं यहाँ पे सांकलिया भी शामिल हो गए हैं कि ये वालों ने बसाया अब यहां पर जो डिफरेंस देखो क्या है कि सिंधु जो सिविलाइजेशन था इंडस सिविलाइजेशन पूरी तरह से क्या था नगरीय था ठीक है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन प्योरली अर्बन, बट जस सेमी अर्बन ये, ये जो था ये अर्ध नगरीय सभ्यता था ठीक है अर्ध नगरीय सभ्यता यानी सेमी अर्बनाइज सिविलाइजेशन था यानी वहां पर पूरी तरह से डेवलप्ड सिटीज नहीं थे मेसोपोटामिया की जो सड़कें होती थी जो मेसोपोटामिया में जो रोड से थे वो रोड भी इतने सिस्टेमैटिक नहीं थे जितने की हम इंडस सिविलाइजेशन में देखते हैं जो कि पूरी तरह से ऐसे ग्रीड पैटर्न बेस्ड है तो ये यहाँ पर भी मेसोपोटामिया में हमें नहीं मिलता है इसी तरह से ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करते हैं जल निकासी प्रणाली की अगर हम बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम भी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में, में ऐसा नहीं है इसके अलावा जो दोनों के जो स्क्रिप्ट है अगर दोनों एक होते तो इनका स्क्रिप्ट सेम होता जैसे आर्य बाहर से आए थे इस पर बनाया गया ना कि दो, संस्कृत काफी मिलता जुलता है यूरोपियन लैंग्वेजेस से तो उसमें जो लोग अब ये मानते हैं कि बाहर से नहीं भी आए थे आर्य तो भी ये मानते हैं कि उस समय लोग पेस्टोरल लोग थे लोग घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते रहते थे तो ऐसे में ऐसा हुआ होगा कि कुछ लोग जो इंडिया में थे वही लोग यूरोप गए होंगे क्यों क्योंकि उनकी जो भाषाई हम लोगों को समानता मिलता है सिमिलैरिटी मिलती है लेकिन इनकी दोनों की स्क्रिप्ट एकदम अलग है मिसोपोटामियन स्क्रिप्ट और इंडस स्क्रिप्ट दोनों स्क्रिप्ट में अंतर है दोनों की सील्स में मुद्राओं में भी अंतर है जहाँ सिंधु से कोई मुद्रा ही नहीं मिला है क्वाइन मिला ही नहीं है सिर्फ सील्स मिला है और वहाँ पर क्वाइन मिला है मुद्रा मिला है और इसके साथ वो एकदम अलग भी है और डिफरेंस क्या है कि ये पिक्टोग्राफिक है जो इंडस स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक है और मेसोपोटामियन ये कील कील है कीलनुमा नुमा मतलब नेल शेप नेल शेप्ड है ये बिल्कुल तीखा तीखा नुकीला नुकीला ठीक है तो मेसोपोटामिया सभ्यता की मुहरे वर्गाकार वर्गाकार है और सिंधु घाटी सभ्यता की जो है क्या है आपका पूरा का पूरा जो है वर्गाकार ही नहीं है रेक्टेंगुलर गोल कई तरह कई शेप की हम लोगों को यहाँ पर मिलते हैं मेसोपोटामियन जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था फादर सोसाइटी थी और हमें इंडस सिविलाइजेशन से बहुत सारी मदर गॉडेस की मूर्तियाँ मिलती हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये ये सोसाइटी थी तो जहां मेसोपोटामियन मेसोपोटामियन में पैट्रियार्कल सोसाइटी रहा है वहीं पर हमें इंडस सिविलाइजेशन में ऐसी बहुत एविडेंसेज मिलते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि मातृ सत्तात्मक समाज था बड़ी संख्या में देवी की जो मूर्तियां मिली हैं जो देवी की मूर्तियां मिली हैं वो ये साबित करती हैं तो अगर यहां से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा ये ये देखो ये क्वेश्चन आप लोगों का प्रीलिम्स में कभी कभी कॉन्सेप्चुअल पूछा जा सकता है लेकिन यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस क्या रहेगा तो यहां से क्वेश्चन आपके जीएस पेपर वन में और कभी कभी एग्जामिनर का अगर मूड किया तो उस स्टेटमेंट बना के आपके जो है किन, ये ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में को आप पढ़ें और बताएं कि इसमें से कौन से सही हैं तो आपका जो ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से सिंधु घाटी की उत्पत्ति कहते हैं वो वो कहे जाते हैं क्रमिक विकासवादी सिद्धांत आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन द क्या थियोरी ये जो आइडियोलॉजी थियोरी पर बेस्ड है कि कि ये जैसे ऐसा हुआ होगा धीरे-धीरे धीरे-धीरे अपने आप इसका विकास हो गया होगा और ये लोग ईरान से ही होंगे जो इन्होंने इस तरह से अपना वो किया था तो नगरीय सभ्यता क्योंकि ये कहते हैं कि नगरीय सभ्यता अचानक से विकसित नहीं होती है बल्कि पहले वो गांव होता है गांव से वो सेमी अर्बनाइज्ड होता है और फिर सेमी अर्बनाइज से वो सिटी बनता है ऐसा ही होता है ना कोई भी जगह अचानक शहर तो नहीं बनता कोई भी जो जगह है वो अचानक शहर नहीं बनता ना पहले गांव जो है शहर बनता है वो मतलब शहर भी नहीं आप उसको क्या कहेंगे कस्बा मतलब धीरे धीरे बाजार बाजार लगना शुरू होता है तो थोड़ा कस्बा नुमा दिखता है और फिर उसके बाद वो उस वहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन आ जाते हैं हॉस्पिटल्स बन जाते हैं वो तो एक ब, धीरे धीरे वो एक छोटा शहर छोटे शहर से बड़ा शहर बनता है तो ये कहते हैं कि ये ऐसे ही हुआ होगा अचानक से एकदम से शहर कैसे बना होगा नहीं बन सकता तो ये यही कहते हैं कि ये इसीलिए ये कहते हैं कि ईरानी बलूचिस्तानी रहा कि कुछ लोग धीरे धीरे बसे होंगे धीरे धीरे उन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया होगा और फिर एकदम से ये सिटी बना होगा तो ये वहाँ पर पहले लोग होंगे और हरप्पन लोग जो है बाद में यहाँ पर प्लांट वे में आकर के उन्होंने बनाया होगा भाई जिस तरह हरप्पा मोहन कालीबंगा काली मंगा हमें जो प्लांट मिलता है फोर्टिफाइड मिलता है तो ऐसा लगता है ना कि इस सिटी को पहले प्लान किया गया होगा फिर बसाया गया होगा तो अचानक से शहर बसाने का ख्याल तो किसी को नहीं आएगा इसका मतलब कि कुछ वहां के पहले के लोग जो कहीं और रहते होंगे उन्होंने इस खाली पड़े हुए जो जगह है उसको फिर से उन्होंने प्लान करके बसाया होगा तो वही ये बात कहते हैं कि हड़प्पा के पूर्व की इन ग्रामीण स्थलों में पहले प्रोडक्शन में वृद्धि हुई होगी और फिर प्रोडक्शन में क्योंकि भाई रिसोर्स चाहिए शहर बनाने के लिए तो प्रोडक्शन में उत्पादन में वृद्धि उत्पादन क्षमता का विकास हुआ होगा और फिर धीरे धीरे जो है क्या हुआ होगा इनका ये शहर में तब्दील हुए होंगे और क्योंकि की सभ्यता के साथ इनका व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ था इनका ट्रेड रिलेशन ये एक्सचेंज करते थे तो वहां की संस्कृतियों में भी आपसी में सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ होगा होता ही है मान लो कि आज की डेट में हमारा ये ग्लोबलाइजेशन का टाइम है तो ग्लोबलाइजेशन के टाइम में हम सिर्फ सामान नहीं खरीद रहे ना अमेरिकन और ब्रिटिश और जापानीज या फिर कोरियन हम सिर्फ सामान नहीं खरीद रहे हैं हम वहाँ के कल्चर को भी सीख रहे हैं वहाँ के फूड हैबिट्स को भी हम ले रहे हैं तो ये इनका यही कहना है कि जो ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ था मिसोपोटाम सिविलाइजेशन के साथ तो उन्होंने उसके साथ सोशियो और कल्चरल जो ट्रेंड है वो भी एक्सचेंज हुए होंगे तो उसका भी प्रभाव यहाँ पर पड़ा होगा ये कहते हैं ईरानी बलुचिस्तान ईरान और बलूचिस्तान से उत्पत्ति हुई सिंधु सभ्यता का उनका ये लॉजिक है कि इन्होंने आपका यहां पर एक चीज आप लोग ये देखोगे कि एक चीज ये देखोगे कि जिस तरह से पहले शहर को प्लान किया गया है और फिर बसाया गया है तो जरूर ये ऐसा हुआ होगा कि ये कहीं और पहले से ही लोग रह रहे होंगे और फिर इन सभी शहरों को बसाया होगा तो ये भी हो सकता है कि वो आसपास के गांव हो जो कि हमने लॉजिक दिया कि ऐसा हुआ होगा कि प्रोडक्शन बढ़ा होगा पहले गांव में की तरह लोग होंगे फिर प्रोडक्शन बढ़ा होगा तो छोटा मोटा कस्बा बना होगा और फिर शहर बन गया होगा और ऐसे विकास हुआ होगा तो मान लो कि ये गांव है तो इसके ऊपर यहाँ पर बहुत बड़ा जगह है तो ये गांव के लोगों ने फिर इसको प्लान कर लिया ये गांव वाले पहले किस में बने तो ये पहले सेमी अर्बन हुए और फिर जब इनको और डेवलपमेंट हुआ तो फिर इन्होंने क्या किया कि अपने पास के का जो जगह था उसको एकदम प्लान करके उन्होंने बसा दिया तो हम ये क्यों कहेंगे कि बाहर से ही आकर के ऐसा उन्होंने बसाया कुछ लोग कहते हैं इसे सोथी सभ्यता ये इंडियन अप्रोच है इसमें अमलानंद घोष डीपी अग्रवाल तो ये कहते हैं कि ये सोथी सभ्यता थी 1953 में ये इसको डिस्कवर किया गया था ये राजस्थान में है तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी और आगे चलकर इसी का नगरीकरण हुआ और ये सिंधु सभ्यता के रूप में इसका विकास हुआ ये कहते हैं अमलानंद और ये काफी कुछ मानने जैसा है दो क्योंकि सोथी से जो हमें पॉटरी मिला है उस पर पीपल का पत्ता बना है और सिंधु जो पॉटरीज है उस पर भी पीपल का प, हमें पत्ता मिला है ये शायद ये एक पवित्र पेड़ हुआ करता था ठीक है तो ये अप्रोच आप लोगों में से यूपीएससी आजकल थोड़े यूनिक फैक्ट्स पूछती है तो कब तक पूछती रहेगी कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या खाते थे क्या पहनते थे कहां कहां से ट्रेड था अब तो रट गया है आप लोगों को है ना अब ये आप लोगों को रट गया है तो अब आप लोग क्या करेंगे अब आप लोग जो है थोड़े जो अलग फैक्ट्स हैं जो थोड़े यूनिक फैक्ट्स हैं अब आप लोग उसको पढ़ेंगे इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बताया और ये स्पेशली आप लोगों को जो यूपीपीसी वगैरह देंगे या नेट देंगे उनको तो पूछा ही जाता है और यूपीएससी भी अपना थोड़ा स्टाइल चेंज कर रहा है दे आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा यूपीपीसी क्या हो रहा है फैक्चुअल हो रहा है है ना ठीक है हाँ जी नहीं अभी बस ये खत्म, हम लोग खत्म कर रहे हैं इस क्लास को अभी इस क्लास को खत्म कर रहे हैं बस इसका हम लोग विस्तार देख लेते हैं तो अफगानिस्तान अफगानिस्तान में हमें मुंडी गाक और शोरतू घई मिला है भारत में तो आपने देखा ही नॉर्दर्न साउदर्न ईस्टर्न और वेस्टर्न आपने इसके अलावा मुन, अफगानिस्तान में हमें मुंडीगा को और गई दो प्लेस मिलता है ये माना जाता है कि शोरतु गई एक ट्रेड सेंटर होगा पाकिस्तान से लगभग 500 हमें साइट्स मिली हैं और भारत में 1000 तो ये इस तरह से ये भारत और पाकिस्तान मिल मिलकर के 1500 साइट्स मिली हैं और ये जैसे देखो पूरा का पूरा यही इसका फैलाव है ये जो देख रहे हो आप यही फैलाव है इसका अब कुछ क्वेश्चन है क्वेश्चन अब मैं आप लोगों को कल कराऊंगी ठीक है यहां से कुछ एमसीक्यूज थे अभी एमसीक्यूज में आप लोगों को कल कराऊंगी क्योंकि आज टाइम हो गया है एक ऑफलाइन क्लास है मेरी तो उसके बाद हम लोग जो है इस क्वेश्चन को कल करेंगे ठीक है तो देखिए ट्वेंटी नाइन्थ यानी कल आज अट्ठाईस हो गया कल से ये बैच शुरू हो रहा है और इसमें आप लोगों का कंप्लीट जीएस और प्रीलिम्स का पेपर वन, पेपर प्रस काट भी पेपर टू तो सीसेट और जीएस दोनों की तैयारी प्रीलिम्स के लिए और मेंस की जीएस की तैयारी आपकी कंप्लीट कराई जाएगी जिसमें एमसीक्यूज कराए जाएंगे मेंस का आंसर राइटिंग कराया जाएगा क्विजेज होंगे 900 प्लस आवर्स आपको दिए जा रहे हैं और डेली सिक्स टू एट थर्टी छः बजे शाम से लेकर साढ़े आठ बजे तक ढाई घंटे की डेली क्लास ऐसे स्मार्ट बोर्ड पर और आपको बिल्कुल लाइव क्लास वाली फीलिंग आएगी आपको पूरा नोट्स मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में सारा नोट्स मिलेगा आपको और आपको पूरा आंसर राइटिंग करा कर चेक भी किया जाएगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आज का टाइम है आपके पास वाई फाइव सिक्स वन मेरा कोड है वाई पांच सौ इकसठ मेरा कोड है और इस कोड से आप लोगों का कितना पड़ेगा तो इस कोड से आप लोगों का पड़ेगा हाँ जी एट ओहो एट सेवन डबल नाइन तो Y561 कोड के साथ आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपका ये जो नौ हजार नौ सौ निन्यानबे का है ये आपका पड़ेगा एट सेवन डबल नाइन में तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और ये आपका एक रेवल्यूशनरी लॉन्च है ये क्रांति लाने वाला ये आपका ये प्रोग्राम है आप पढ़ोगे तो खुद ही समझ आएगा और बिल्कुल मन में कोई डाउट कोई शख्स मत रखिए कि आपको क्वालिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी हंड्रेड परसेंट मिलेगी तो मिलते हैं कल चैनल को जिन्होंने लाइक नहीं किया है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारा कोर्स है वो जितने भी लोग अफोर्ड कर सकते बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है फटा फटाफट आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर ले आप ताकि एक भी क्लास आप करना छूटे और शुरू से आप क्लास ले सके तो सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने मित्रों के साथ रिश्तेदारों के साथ और लाइक करके जाना ना भूले सब्सक्राइब कर ले चैनल को तो कल मिलते हैं कल फिर से 9 ए एम पर बाय बाय